विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। कृषि कानून के विरोध में बैठे किसान संगठनों का आज 50वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन के साथ 15 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ शुक्रवार को 9वें दौर की वार्ता में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। देश की राजधानी अब में फिर से चिकन अंडे बिकेंगे। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने चिकन की बिक्री पर रोक लगाई थी, जो अब रोक को हटा लिया गया है। यह फैसला पोल्ट्री मार्केट से लिए गए नमूनों के बर्ड फ्लू टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि नमूने नेगेटिव आए हैं, जिसके बाद उन्होंने पोल्ट्री मार्केट को खोलने का निर्देश दिया है। इसके अलावा चिकन की बिक्री और जिंदा मुर्गे मुर्गियों के आयात पर लगी रोक को भी हटा लिया गया है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए सरकार ने 9 जनवरी को सबसे बड़ी पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर को बंद करने का आदेश दिया था। दिल्ली में एमसीडी के फंड को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दोनों तरफ से इस मसले पर लगातार बयानबाजी हुई है। इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ योजनाएं रोक कर नगर निगम को 938 करोड़ रुपए दे रही है। ये पैसे सैलरी के लिए दिए जा रहे हैं। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि इसे भी चोरी मत कर लेना और सफाई कर्मचारियों से भी अपील करता हूं कि उन पर नजर रखना। राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में गुरुवार को गंभीर शीतलहर चल रही है और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई।